दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा एक बार फिर से टोरंटो से। दोस्तों, आज का जो मंडे मॉर्निंग का 9 बजे का प्रोग्राम था उसको मैंने सुना, लेकिन बहुत ही डिस्टॉर्टेड आवाज थी, तो सोचा कि एक बार फिर से एक शॉर्ट, एक 2-3 मिनट में उसकी समरी दे दूं आज के टॉपिक के बारे में, क्योंकि आज जो इसके पहले का ब्रॉडकास्ट था बहुत ही क्लियर नहीं था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था दैट लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। और उसको मैंने 2 पॉइंट्स जिसमें बताए थे कि जो कि हमें ध्यान में रखने हैं अपनी लाइफ को सिंपल करने के लिए। एक तो ये कि हम अपने आप को क्या करें कि कंफॉर्मिटी से थोड़ा सा दूर रखें। बहुत सारी चीजें हैं, दे आर नॉट वर्किंग एनी मोर, सो स्टे अवे फ्रॉम देम। और जो दूसरी चीज मैंने बताई थी कि आप अपने आप को मत भूलें कि हु यू आर। सो अगर ये 2 चीजों का ध्यान रखें तो ये हमें बहुत हेल्प करेगी। तो फर्स्ट थिंग, डोंट फॉरगेट हु यू आर, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नो, डोंट लिव फॉर अदर्स, रादर लिव फॉर योरसेल्फ एंड स्टे अवे फ्रॉम कन्फॉर्मिटी। उसके बाद हमने अपने खुद अपने लाइफ के एग्जाम्पल दिए थे दैट हु आई एम, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो उसके मैंने बहुत सारे अपने खुद के एग्जाम्पल दिए थे, हाउ दैट हेल्प मी। और उसके बाद मैंने इस पे, जैसे कि दोस्तों मैंने इसमें बताया कि लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो होता क्या है दोस्तों कि लाइफ को सिंपल बनाने के लिए अगर हम पैसे बनाने के तरीके आसान कर दें तो लाइफ हमारी काफी सिंपल हो जाती है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि हमारी जिंदगी का जो मेजर पोर्शन होता है वो पैसे कमाने में ही लग जाता है। क्या होता है कि हम एक एवरेज 25 साल की उम्र से पैसे कमाना शुरू करते हैं और हम पूरी जिंदगी लगभग पैसे ही कमाते रहते हैं। और क्या होता है कि हम अपनी जरूरतों को ही पूरा करने में लग जाते हैं, पूरी जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया इसके पहले कि बहुत अपने सारे दोस्तों से बात करता रहता हूं और बोलते हैं कि राकेश, आज के दिन में इंडिया में इंजीनियर्स निकल रहे हैं और 10 से 20 हजार रुपए की जॉब मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो जब सुनता रहता हूँ, एनालाइज करता रहता हूँ, और मैं भी बहुत कुछ कनेक्टेड रहता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा पेन होता है कि मैं कोई चीज अगर ऐसी में शेयर कर सकूं अपने दोस्तों से और या उनके उससे उनको अगर कोई बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारे तो प्रोफेशन ऐसे हैं कि 25 के बाद भी इवन लग जाते हैं पैसा कमाने में, क्योंकि अगर कोई एक डॉक्टर बनना चाहता है तो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए 30-35 की उम्र निकल जाती है। बहुत सारे लोग IAS हैं, PC जो प्रोविंशियल सर्विसेज में अप्लाई करते हैं, शायद एज लिमिट भी बढ़ा दी गई, तो लोग 30-35 साल तक भी ट्राई करते रहते हैं। और इसी तरीके से जो लॉयर्स हैं और बहुत सारे प्रोफेशन है जिनमें की बहुत टाइम लग जाता है एक्चुअल पैसा कमाने में। तो दोस्तों, आज की डेट पे उतना टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 35-40 साल तक अगर कैरियर शुरू करने में लग गए तो जिंदगी कब एंजॉय करोगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मेन मकसद ये था कि आप देखें कि आपको क्या चाहिए, और उसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें कि आप पैसा कमाने के अब आसान तरीके भी ढूंढ सकते हैं। तो एक तरीका मैंने आज जो यहाँ पे डिस्कस किया वो ये था, लेकिन उस तरीके को अप्लाई करने के पहले जो दूसरी चीज मैंने शुरू में बताई, 2 चीजें बताई थी कि लाइफ सिंपल करने के लिए हेल्प करते हैं। एक पहली चीज थी कि यू शुड नो हु यू आर, और सेकंड चीज हमने बताई थी कि आप दूसरों के लिए नहीं जिए, अपने लिए जिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो मैं तरीका भी आपको बताने जा रहा हूँ पैसा कमाने का, उसमें बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, वो बोलते हैं अरे ये तो कोई परमानेंट तरीका नहीं है, और समाज क्या बोलेगी कि भाई आपका लड़का या आपकी लड़की क्या करते हैं। तो ये है, इसलिए मैंने बोला था कि आपको समाज की इन चीजों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, लोगों से दूर रहना पड़ेगा। सिद्धू साहब की बात हमेशा याद आती है, सिद्धू साहब बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, ये क्या कहेंगे लोग के चक्कर में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से महरूम रह जाते हैं और हम उनको शुरू ही नहीं करते। तो दोस्तों वो तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो फर्स्ट चीज मैंने बताई कि यू शुड नो हु यू आर, तो वो मेरा उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं अपने बारे में बताया था और बताना चाहूंगा कि मैं कौन था।
दोस्तों जब मैं गांव से निकला और मैं दो ही चीजें मेरे को चाहिए थी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, आप हंसेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ दोस्तों, उस गांव में यही था कि अगर मेरे को केवल 24 घंटे पानी और इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अपने जब चाहूँ मैं पढ़ सकता हूँ लाइट में। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। उसके बाद जब मैं उस गाँव से निकला, शहर गया, तो यहाँ तक कि पहला टेलीविजन, पहला कलर टेलीविजन, पहली बाइक, पहली कार, पहला टेलीफोन कनेक्शन, पहला इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सब उस गांव में, उस मेरे घर में पहली बार मैं लेकर के आया। लग तो रहा कि मैं ब्रैगिंग कर रहा हूँ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, कहानी तो ऐसी लग रही है कि मैं गांधी जी के समय पैदा हुआ था, लेकिन नहीं दोस्तों, सब 20-25 साल 30 साल पहले की ही बात है। और तो सब ये तो उससे लगा कि उसको आज भी मैंने नहीं बोला, इंडिया से निकला, मिडिल ईस्ट गया, अमेरिका गया, कनाडा में आया, आज भी नहीं बोला। जब मैं कंप्यूटर में बैठता हूँ, जब आईटी में जॉब करता हूँ, जब उसमें टाइप करता हूँ, तो आज भी वो याद है कि मैं कहाँ से आता हूँ। कोई थकावट नहीं होती, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा, आपको ताज्जुब होगा कि आज तक मुझे लगा ही नहीं कि मैं कभी जॉब किया हूँ। क्योंकि जब कीबोर्ड में कोई चीज टाइप करता हूँ या कीबोर्ड में जो बच्चे गेम खेलते हैं, तो गेम खेलने में और टाइप करने में क्या फर्क था? मुझे तो पूरी जिंदगी भर ऐसा लगा अभी तक कि मैं केवल गेम ही खेलता आया हूँ। काम तो तब करता था जब बाबू, पिताजी को बाबू बोलता हूँ, कि बाबू सुबह सुबह उठाते थे, 12-14 साल की उम्र थी, सुबह उठाते थे, बेटा चलो खेत काट के आते हैं, तो हम जाते थे गेहूं के, अरहर के, हम वो खेत काटते थे हंसिया से, 2 बजे 3 बजे उठ के चले जाते थे, और सूर्य उगने के पहले पहले आ जाते थे, क्योंकि डर था कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कि अरे तुम ब्राह्मण हो के और खेत काटते हो। तो यहाँ दोस्तों, सभी लोग बोलते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन जब दोस्तों कोई काम छोटा करना मजबूरी में पड़ता है, तो वो फिर बहुत दर्द देता है, और बहुत कम ही लोग उस चीज को एडजस्ट और या डाइजेस्ट कर पाते हैं। या हमने वो छोटा काम किया, वो छोटा काम नहीं था, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो था। तो मेहनत तो मैं तब करता था, फावड़े चलाता था, सिंचाई करता था, खेतों में जाता था, बोझ ढोता था, थ्रेसर में काटता था, भूसा ढोता था, चारा काटता था जानवरों को, तो वो मेहनत तो तब हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन कभी आज भी नहीं उस चीज को भूला। तो उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ लगता है बोनस में, और इतना ग्रेटिट्यूड होता है, इतनी ग्रेटफुलनेस होती है, इतना थैंक यू बोलता हूँ, अरे अब तो उस समय बोनस में जी रहा हूँ जहां पैदा हुआ था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट मेरा वो गाँव है, मैं अपने गाँव का अमिताभ बच्चन हूँ, शाहरुख खान हूँ, कपिल देव हूँ, फक्र है उस गांव के जिसने हमें पैदा किया, बड़ा किया, उन माँ बाप को फक्र है, उन माँ बाप के ऊपर फक्र है, उन अपने गांव के वासियों के ऊपर फक्र है, जिनको कि चाचा चाची कहते हुए बड़ा हुआ, उन दोस्तों के साथ खेला। तो दोस्तों यही है कि इसका मतलब ये है कि अपने आप को ना भूलें, मेरा मतलब, मेरा तात्पर्य इस चीजों से था। उसके बाद ही ना, तो ये यही चीजें हैं। तो आज की डेट पे बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। क्या होता है कि हम आज की डेट पे, जैसे मैं बता रहा था कि एक इंजीनियर भी 25 साल की उम्र से नौकरी शुरू करता है, 10,000-20,000 रुपए कमाता है वहां पे, लेकिन आज के इतने सारे तरीके हैं। अगर एक तरीका मैं जो डिस्कस किया हूँ वो है FBA। FBA का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो अमेजोन इंडिया में शायद 4-5 साल पहले शुरू हुआ है दोस्तों। ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जब कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, कि FBA से लाइक करोड़ों रुपए महीने कमा रहे हैं, लिटरली मिलियन प्लस डॉलर दे आर मेकिंग अ मंथ, हस्बैंड एंड वाइफ। आई मेट दिस पीपल इन US एंड आई एम प्रीटी श्योर इवन इन इंडिया। तो एबीए क्या होता है, एक मैं ब्रीफ दूंगा दोस्तों, बाकी इसके बारे में कोर्सेज आपको करना है, आप lynda.com में जा सकते हो, आप udemy.com में जा सकते हो, udemy.com, lynda.com, या बहुत सारी और इंडिया में साइट्स होंगी या लोग होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे। लेकिन दोस्तों यस, इट्स पॉसिबल। एक मैं सिंपल रन थ्रू करूंगा, आपको एक बताऊंगा कि एबीए कैसे काम करता है। दोस्तों क्या होता है कि आज के डेट में आपको मालूम है कि अमेजोन के अंदर करोड़ों, एटलीस्ट लाखों लोग तो होंगे, और करोड़ों लोग उसमें शॉपिंग करते हैं। तो दोस्तों क्या हो सकता है, अगर कोई आपको प्रोडक्ट अमेजोन बेचता है तो आप उसमें रजिस्टर हो जाओ, उसके बाद आप प्रोडक्ट बेचो, उसके बाद ऑर्डर आपके पास ईमेल के थ्रू आ जाएगा, और उसके बाद आप उस आप बॉक्स कीजिए या एनवेलप में डालिए और उसको डिलीवर कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना वो सारे आइटम जितने भी आप सारे अमेजोन को भेज सकते हैं, और अमेजोन उनको स्टोर करेगा, और जब ऑर्डर आएगा खुद पैक करके उनको डिलीवर करेगा, और आपको अपना कमीशन दे देगा। उसमें थोड़ी सी बचत आपकी कम होगी, क्योंकि जो आप पैकिंग और पार्सलिंग कर रहे हैं तो वो अमेज़न करेगा। एक तीसरा जो सबसे फेमस और अच्छा पैसा बनाने का है, जब आप शुरू शुरू में वो चीज सीख जाते हो, देन थोड़ा बड़े लेवल पे जाओ, यू कैन क्रिएट योर ओन लेवल।
वो कोई शू हो सकता है, कोई ग्लासेस हो सकते हैं, कोई बुक हो सकता है, बैग हो सकता है, क्लोथिंग हो सकती है, कोई भी मर्चेंडाइज आपकी हो सकती है, लेदर कुछ भी हो सकता है, और वो आप क्या करें कि जाके अपने नाम से ले भी, ओ मिश्रा जैकेट या कोई बर्तन कपड़े, कुछ भी लाखों की संख्या में चीजें हैं या आइटम्स हैं, उनको आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि आपने कोई लेबल क्रिएट किया और उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपने चाइना से करा ली, बांग्लादेश से करा ली, इंडिया से करा ली, पाकिस्तान से करा ली, कहीं भी किसी भी मुल्क में जहाँ होता है। और वो अमेजोन क्या करेगा कि वो सप्लायर क्या करेगा, सीधे अमेजोन को भेज देगा और आपको ना तो कोई स्टॉक करने की जरूरत, वहां पर जाएगा ऑर्डर आएंगे। तो बहुत दोस्त है, शुरू थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन चलिए थोड़ा सा शुरू करें, आप देखिए तो कि क्या होता है। और ये सबसे अच्छी बात है, ना तो कोई आपको एम्प्लॉय हायर करने है, ना तो कोई आपको ऑफिस हायर करना है, एक आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है उससे आपका बिजनेस शुरू हो गया, उसके बाद आप केवल मोबाइल या सेलफोन से उस बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं, कहीं पे आप छुट्टी पे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, तो यू बिकम अ बिजनेसमैन विद जीरो कॉस्ट ऑलमोस्ट। क्योंकि आपकी अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आपका जो भी आइटम आप जो भी बेचेंगे वो भी आपको क्या कहते हैं कि क्रेडिट पर मिल सकता है। तो ये मैंने बहुत जल्दी में दोस्तों बताया, इसके पहले मैंने काफी इस पे बात की थी लेकिन उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। अभी पता नहीं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है कि जिसमें बात कर रहा हूँ, होपफुली इट इज बेटर देन द पास्ट वन, बट इट वॉज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो दोस्तों यही था आज का कि जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि FBA पे रिसर्च करें। बहुत सारे हमारे इसमें दोस्त हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू नो टाकी लुपे दैट मरिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो मरिया या थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉमेंट यू रोट अबाउट यू नो व्हाट आई सेड हियर। यस सो लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड द वे यू नो वी मेक मनी, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन मेरी लाइफ का पैसा बनाने में ही चला जाता है। अगर उसको हम थोड़ा सा आसान कर दें तो हमारी जिंदगी, सोचो दोस्तों कि अगर 45-50 की उम्र में आप अगर फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो तो कितनी जिंदगी पड़ी होती है इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, पैशन के लिए। कोई आपका पैशन था, एक्टर बनना था, म्यूजिशियन बनना था, डायरेक्टर बनना था, कुछ भी करना था, उसके लिए सारा समय आपके पास है। तो दोस्तों जब हम पैसा कमाते हैं इसके लिए कि अरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मजबूरी में कमाना अलग की बात होती है, लेकिन जब पैसे की जरूरत नहीं होती और तब अगर आप पैसा कमाते हैं कोई बिना प्रेशर के, तब और भी क्रिएटिव तरीके पैसे कमाने के दोस्तों निकलते हैं। तो इसलिए मैं ये सारे तरीके हैं, एक FBA तो अब इसमें भी अंदर और जाएंगे, जब अमेजोन के आप एसोसिएट बन जाएंगे तो क्या होगा कि आप अपने, अगर आपकी वेबसाइट है और सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस है तो अमेजोन आपको लिंक देता है और वो आप अपने लिंक शेयर करेंगे अपने प्लेटफॉर्म में, अपने वेबसाइट में, जब लोग उस लिंक के थ्रू, तो आप क्या करें कि कोई अच्छे प्रोडक्ट अगर है तो उसकी आप रिव्यू कर सकते हैं, तो लोग आपको आपके रिव्यू देख के आपके लिंक को क्लिक करेंगे तो खरीदेंगे अमेजोन से, लेकिन अमेजोन आपको कमीशन देगा। नॉट ओनली दैट, उस लिंक के थ्रू लोग जब जाएंगे अमेजोन में तो प्रोडक्ट तो वो खरीदेंगे जो जिसके लिए आपने रिव्यू किया है, लेकिन उसके बाद और कुछ आइटम अमेजोन से खरीदते हैं उसमें भी अमेजोन आपको कमीशन देगा। वंडरफुल अफिलिएट प्रोग्राम दोस्तों, ये तो एक मैंने आपको बताया, इस तरह के हजारों रिसोर्सेज। एक समय हुआ करता था कि केवल जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होती थी उसमें आपके फिजिकल प्रेजेंस जाना होता था, लोगों से मिलना होता था, लेकिन दोस्तों आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, करके तो आप देखिए, मैं नहीं बोलता कि इसको आप फुल टाइम करें, एज ए पैसिव इनकम, और इसको सीख जाएंगे। सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है, अगर इसमें 1-2 लाख रुपए महीने के बनाने के अगर आपको तरीके आ गए, देन यू कैन हेल्प अदर पीपल, यू कैन क्रिएट कोर्सेज, यू कैन क्रिएट वर्कशॉप, यू कैन क्रिएट इवेंट, यू कैन कंडक्ट सो मेनी थिंग्स एंड यू कैन चार्ज फॉर दैट। क्योंकि जब लोग आप किसी को अगर 10,000, 20,000, 25,000 रुपए महीने के सिखा रहे हो, 1 लाख रुपए महीने के सिखा रहे हो, तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल हैव एनी हेजिटेशन टू पेइंग यू 1,000 रुपीज, 2,000 रुपीज फॉर 4-5 आवर्स वर्कशॉप। 100 लोगों ने आपको इकट्ठा किया किसी होटल में, मोटल में, या किसी स्कूल में, लाइब्रेरी में 100 लोगों को आपने ट्रेनिंग दी, हाउ टू डू दैट, एंड यू नो यू चार्ज मनी। 100 लोग आए, अगर 1,000 रुपए आपने चार्ज किया, 100 × 1,000 1 लाख रुपए हो गया एक दिन में। लोग दोस्तों आसान है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ आप लोग बोल सकते हैं राकेश आप ऐसे बोलते हो, इतना आसान थोड़ी नहीं दोस्तों, आसान तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप करके तो देखो, तब आपको पेन नहीं होता है दोस्तों। जबकि एक लड़का जो 12th के बाद माँ बाप के सपनों को लेके जाता है, इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग करने के बाद बड़े शहर जाता है और उसको 10,000-15,000 रुपए महीने की सैलरी शुरू करनी पड़ती है जिसमें उसके खर्चे भी पूरे नहीं होते, तो वो पेन नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी पेन है। तो ये है कि थोड़ा सा आप देखिए दोस्तों कि आज के डेट पे आउट ऑफ 7.5 बिलियन पीपल देयर आर 4.5 बिलियन पीपल ऑनलाइन यूजिंग सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। यू नो हाउ मच पावर इट इज इन योर फिंगर टिप्स,
FB is just like starting, just one point. Once you start learning the system, तो आज की डेट में ऐसा समय दोस्तों कभी नहीं रहा, ना आपको कोई इम्प्लॉय हायर करना है, ना कोई आपको प्रोडक्शन करना है, सब कुछ प्रोडक्ट किसी का, कस्टमर किसी के, यू जस्ट कम इन बिटवीन एंड यूज योर नेम एंड योर अकाउंट एंड दैट्स इट, यू गेट योर कमीशन गोज डायरेक्टली टू योर अकाउंट. कैसा ऐसा था कभी अपॉर्चुनिटी दोस्तों? नहीं थी. तो इसलिए बोलता है दोस्तों कि आप अपना इतना पैसा लेने की जरूरत नहीं है. या तो ये आई केम अगेन सेकेंड टाइम दोस्तों, बिकॉज द साउंड क्वालिटी वॉज नॉट वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई थॉट यू नो आई विल जंप इन. आई वाज जस्ट गोइंग टू बेड डाउन, बट आई थॉट यू नो इट वाज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट्स व्हाई आई केम अगेन दोस्तों. सो थैंक यू वेरी मच. लेट मी गिव यू लिटिल शाउट आउट टू सम ऑफ माय फ्रेंड हु जॉइन मी टुडे हियर. ललित गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग. जूली, आई एम सो सॉरी ही जॉइन फ्यू टाइम्स, बट यू सर इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. So I'm sorry if I went very fast because I didn't very detail the previous one, but the quality of sound was not very good. So that's why I jump in again second time. Akhilesh, Mishraji, thank you very much. Shobh Sharmaji, thanks a lot. And Takya Lupe, thanks once again. Thanks for your comment. Tapan, thanks a lot. Sanjay, thank you very much. Virendra Kumar, thanks a lot. Kiran Mehndi Raktaji, thanks a lot. Jitesh Babu, thank you very much. Kayum Sahab, bahut bahut shukriya. Amanpreet Chopra ji, thank you very much. Chandrasekhar Singh ji, thanks a lot. Ruchi Ojati, thank you very much once again. And Mia Ashraf Sahab, thank you very much for joining today. Doston, the topic was that life is really simple. We make it complicated. And my contest, my opinion, my view is that most of the major portion of our life we spend to earn money. So if we make money making, you know, ways easier, simple, so our life will become simple. That's what whole idea about it. And today I discuss FBA, fulfillment by Amazon. दोस्तों इसको जाएं और आप सर्च करें और इसके कोर्सेज कर सकते हैं. lynda.com पे जाके, udemy.com पे जाके $10, $20, $25, $50, $100 के कोर्सेज हैं, या उन लोगों से डायरेक्टली कोचिंग ले सकते हैं who already doing it great and that will help. So that's what whole idea about introducing this FBA, and it's in India, it's in North America, hopefully in other countries also. And there are so many other affiliate programs, but this one is like a giant. As you know, there are five giants today worldwide. That is a Facebook, Amazon, Google, Apple, and one more. That is Facebook, Google, Amazon, Apple. And yeah, so I think four or five companies. So they are doing, you know, they are amazing, amazing, amazing business. If you are associated with them in any way, you will never ever go wrong. So दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ. हाँ दोस्तों, पैसा बनाना बहुत जरूरी है. और टुडे बिकमिंग रिच इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि हैप्पीनेस अल्टीमेटली, हमारा जो अल्टीमेट यू नो लाइफ का पर्पस होता है वो क्या होता है? रिग्रेट फ्री डाइंग इज अवर अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ. और रिग्रेट फ्री डाइंग क्या होती है कि आप अपनी लाइफ हैप्पीनेस के साथ जीओ. और हैप्पीनेस दोस्तों तब आती है जब आप औरों के लिए कुछ करना शुरू कर दो. आप अपने माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, सभी लोग करते हैं. नथिंग ग्रेट, नो मैटर व्हाट यू डू, ऑलवेज नॉट एनफ, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स फॉर अदर्स. एंड दोस अदर्स मे नॉट बी फ्रॉम योर रिलीजन, फ्रॉम योर रेस, फ्रॉम योर कंट्री, फ्रॉम सोसाइटी. Anybody, when you are ready to help, you, then you will not just be helping based on, you know, the race and religion or, you know, the sex or the, you know, just blindly help. So helping comes when you are fulfilled from your own need. So that's why becoming rich is our responsibility, is our duty. Because if you are not rich, as someone said very clearly, that poor people are selfish people. Yes. Why? Because if you are poor, whole life you will be the consumer mode. Consumer means you will be just, you know, consuming things just for your own use, because you have not even enough for yourself. Then how you can share with others? How you can help with others? Yeah. So to become in the contribution mode, otherwise consumer mode means you are already just consuming whatever you are earning. You are just using for you and your family, never extra anything to help others. But the people who become contribution mode, people who are rich. So, you know, you might have heard, even the Bill Gates, 99% of wealth is donating to the world.
You know that one time a richest person, another richest person is Warren Buffett. 99% of his wealth he's donating through Bill and Melinda Gates, you know, the charity association. Yeah, so many things. They are eradicating, basically removing so many diseases from different parts of the world. So, dosto, you know, एक होता है हमारी एक कहावत होती है, एक हमारी सोच होती है कि रिच लोग जो होते हैं, अरे वो हमेशा खराब ही होते हैं, दूसरे का पैसा मार के अच्छी उसके नहीं, दोस्तों ऐसा नहीं होता है. बहुत सारे रिच लोग हैं जो बड़े अच्छे जेन्यून तरीकों से पैसा कमाते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं. तो आप उनसे सीख सकते हैं रिच कैसे बना जा सकता है. एक समय था दोस्तों 25-30 साल पहले कि आपको कोई रिच नहीं, यू कैन नॉट रीच टू द रिच पीपल दैट हाउ यू नो टू गेट like their attitude or their behavior or their practices or their rituals, how they make money, how they become big. But today, the time those two we are living, you have access to them. If not directly, over the phone, at least you can read their book. You can listen to their audio program. You can listen to their video program. You can listen to their speeches. You can listen to their, you can attend the conferences where they come as a speaker. Or they are no more, probably their views, practices, rituals are being documented in terms of the books, in terms of the audio programs. So, दोस्तों मैं जैसा कि हमें सब प्रमोट करता हूँ कि बुक एंड पीपल, खाली दो चीजों पे आप अगर कंट्रोल कर लें तो आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता. दोस्तों कोई भी आप टॉपिक लें उस पे बुक लिखी जा चुकी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं. एंड पीपल, एसोसिएट योरसेल्फ विद दोस ग्रेट पीपल. इफ यू वांट टू बिकम समबडी, सी हु हैज ऑलरेडी डन इट एंड स्टार्ट फॉलोइंग हिम. या दैट्स इट दोस्तों. तो जब तक दोस्तों दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे, कभी देश सुकून मिल ही नहीं सकता. अगर मिलेगा भी तो बहुत टेम्पररी होगा, क्योंकि केवल जब आप अपनों के लिए करते हो दुख भी अपने ही लोग देते हैं. लेकिन जब दूसरों के लिए कुछ करना शुरू करते हो दोस्तों, तो क्या होता है कि जब आप सुनते हो कि उसके साथ हमने ऐसा किया, आज उसने इतना अच्छा किया, आपको सुकून और अच्छा लगता है. अपने को भी अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने कभी अगेंस्ट आते हैं तो थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन दूसरों से आपको पेन नहीं होता है. रेयरली एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर दोस्तों. तो दोस्तों बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और इस वादे के साथ कि अगले सोमवार को फिर मुलाकात होती है दोस्तों. तो अगेन एक फास्ट रैप अप कि आज का टॉपिक था कि लाइफ इज रियली सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. और लाइफ को सिंपल करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखें. एक तो कि नेवर फॉरगेट हु यू आर. मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं कहां से आता हूं, और दूसरा एग्जाम्पल ये दिया stay away from conformity. Conformity means like, those rituals, practices, being ages and ages. Some of them, they are working, but many of them, they are obsolete. Dosto, the age we are entering is artificial intelligence, virtual reality. Yeah? And so, and robotics, isme kya hoga slowly, slowly? So many jobs are going to disappear. So many things are being developed in the last 4 or 5 years. It's never been time that you have this laptop and you can have $1 million month business, not even a year, a month business. And in today's environment, if you are really active and utilizing the power of North American resources, dosto, $1 million saal ka business banane ke liye, you need not to hire anybody. Why? Just use outsourcing and automation. Means? उसके लिए जो कुछ भी चाहिए आप टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लोगे. साइट डेवलप करनी है, कोई ग्राफिक्स डेवलप करना है, कोई आपकी फनल डेवलप करनी है, कोई टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, तो आप जाए फाइबर में जाए, आप वर्क में जाए, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, और उससे काम कराए अपना, और दैट्स इट. नो नीड टू हायर एनी परमानेंट थिंग्स. आपको कोई असिस्टेंट हायर करना है $500-600 महीने के लिए, 9 to 5, आपको 8 घंटे, आपको लड़का या लड़की फिलीपीन में मिल जाएंगे, वो आपके लिए काम करेंगे. दे हैव वेरी गुड वर्क एथिक्स एंड गुड स्पोकन इंग्लिश. तो दोस्तों आज जैसा वक्त कभी नहीं रहा, तो इसलिए. और सबसे अच्छी बात मैंने आपको जैसे बताई कि अगर आप MBA करना सीखे और आप ₹1 लाख महीने के या $5,000 या $10,000 महीने कमाने सीख गए, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप सीख जाओगे तो वही चीज आप दूसरों को पढ़ा सकते हो, उसके कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, उसके पैसे चार्ज कर सकते हो. देन वन आफ्टर अदर इट बिकम लाइक चेन ऑफ रिसोर्सेज टू मेक मनी. कुल आइडिया मेरा ये है, ये एक्सप्लेन करने को जब मैं मंडे को आता कि डिजाइन योर लाइफस्टाइल दोस्तों. डोंट लिव डिफॉल्ट लाइफ. दैट टाइम, दोज टाइम्स आर ओवर.
where our grandparents and parents used to live default life. कि पैदा हुए बड़े हुए छोटे सब बड़े हुए स्कूल गए कॉलेज गए शादी हुई और जॉब लगी हम उनके बच्चे हुए और फिर यू नो बच्चों के बच्चे हुए और 65 की 70 की 80 90 सौ की उम्र के चले गए आए चले गए किस लिए आए पता नहीं किस लिए गए पता नहीं तो वो डिफॉल्ट लाइफ कोई फायदा नहीं दोस्तों आज के टाइम पे आप अपनी लाइफ स्टाइल को डिजाइन कर सकते हैं स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप या इवन फॉर दैट मैटर इन इंडिया तो आज का ये टॉपिक था दोस्तों बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी टू डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस आर योर लाइफस्टाइल आई विल बी मोर देन हैप्पी टू स्पेंड सम टाइम विद यू रीच आउट टू मी यू रीच राकेश सिंपल YOURAACH राकेश RAKESH @gmail.com यू रीच राकेश @gmail.com या तो बहुत सारी चीजें हमने शेयर की दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ लेकिन क्या होता है कि मेरे को खुद विश्वास नहीं होता कि अरे ऐसा पॉसिबल है क्या लेकिन जब जाने लगा ये कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने लगा लोगों से मिलने लगा हु आर ऑलरेडी डूइंग इट एंड दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस सो इट वर्क्स दोस्तों ऐसे ही मल्टी मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनीज नहीं है लाइक अमेज़न लाइक फेसबुक लाइक लिंक्डइन सी जो जॉब सीकर हैं यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर जस्ट क्रिएट एन अकाउंट इन लिंक्डइन एंड इफ यू कैन अफोर्ड टू premium account and that's it join the group the kind of the job you are looking for and get associated with the 10 to 20 people and that's it you will never be out of job in whole life and meet them occasionally in half yearly quarterly yearly in person for dinner for lunch or at least get communication see what is happening in their life congratulate them sometimes you know, just talk over the phone zoom skype dosto I'm the person of abundance from a very beginning जब मैं इलाहाबाद के दिनों में था कुछ भी नहीं था दोस्तों से बात करना बोला ठीक है मैं इंजीनियरिंग का अपना डिग्री करूंगा डिप्लोमा करूंगा जो भी होगा अपना करूंगा उसके बाद से मैं जाऊंगा दिल्ली जाऊंगा पासपोर्ट बनाऊंगा एक दो साल इंडिया में काम करूंगा मिडिल ईस्ट चला जाऊंगा और यू नो दुनिया में जाऊंगा तो लोग दोस्त बोलते अरे हाउ यू कैन बी सो ऑप्टिमिस्टिक इसमें गलती क्या है तो दोस्तों अबंडेंस लिविंग नेवर बीन इजी आफ्टर डे So, दिल नहीं करता आप लोगों को छोड़ने का इतनी अच्छी सी चीजें होती है लेकिन करो दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है अपना नॉलेज शेयर करो अपने नॉलेज को डिजिटाइज करो इन टर्म्स ऑफ द बुक्स इन टर्म्स ऑफ द कोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्राम्स शेयर करो दोस्तों दोस्तों ऐसे ऐसे लोग सुन रहे होंगे जैसे हमारे ललित साहब ललित गुप्ता जी 30-35 साल एक्सपीरियंस है दे आर रनिंग मेनी मेनी कंपनीज सो मच वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस So Laliji, thank you very much sharing your knowledge when I came to your home. And you have wealth of knowledge like that many people. And today is the time. Easily you can, you know, transfer your knowledge and experience and you can monetize it. If you don't want that money, put it for the charity. Yeah. So dosto, let's give some shout out to some more people here. You know, so Laliji, you know, so thank you very much. And we will meet again next week on Monday at 9 o'clock. So wish you all the best and feel free to reach out to me at youreachrakesh@gmail.com for any discussion you want to make it. And if you like something or didn't like something, please do comment. That will help me to create some more meaningful, the programs and the chats and the talks in future. So that have a wonderful week ahead. And good night or good morning, wherever you are. So thank you very much. Bye-bye.